है, तो ध्यान से समझो, हम यहाँ पर चार केसेस पढ़ने वाले बेसिकली। पहले तीनों तो बहुत अच्छे से आने चाहिए, लास्ट वाले का एक आध एग्जांपल कराऊंगा, वहीं से समझने, समझ रहे हो? तो ध्यान से समझना, मान लो एक एलिमेंट है जिसके अंदर है ए बी, ठीक है, अब एग्जांपल दूंगा समझ आ जाएगा। उसके अंदर ए मेरा ऑक्सीडाइज हो रहा है और बी मेरा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल हो सकता है, एक मेरा ए बी है जिसके अंदर क्या हो रहा है, दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या फिर दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। एग्जांपल दूंगा समझ जाओगे उसकी टेंशन। एक मेरा है ए ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और ए ही रिड्यूस। उससे सिंपल तरीका है, तुम इसको नहीं समझ पाओगे, बुक्स में पढ़ोगे तो इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी लिखी होती है, केसेस बना रखे होते हैं, तो मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ उसको वैसे ही समझ लेना, बहुत आसान लगेगा। लास्ट केस जो है ये तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, ये बहुत रेयर होता है, एक या दो क्वेश्चन ही तुम्हें दिखेंगे बुक में भी, ठीक है। इसके अंदर या तो दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे, एक ही एलिमेंट है, या दोनों रिड्यूस हो रहे होंगे, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तो इस पर मैं ज्यादा फोकस भी नहीं करने वाला। मेरा फोकस सबसे ज्यादा रहेगा वो रहेगा देखा जाए तो जिसमें मैं डबल ए लूंगा, सारे एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो मैं इसको केस नंबर वन दे रहा हूँ, इसको केस नंबर टू, इसको केस नंबर थ्री और इसको केस नंबर फोर, साथ साथ लिख लेना एग्जाम्पल के, तो समझ जाओ। मैं सबसे पहले केस वन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो मेरा है पीसीएल फाइव है, ठीक है, उसमें ये बन रहा है पीसीएल थ्री प्लस सीएल टू। ध्यान से समझना बेटा, एन फैक्टर निकाल पाओगे तो वही इक्विवेलेंट केस समझ पाओगे। मुझे बताओ यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट में इतनी चीजें प्रैक्टिस कराई है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। सारे बहुत बढ़िया बच्चों, प्लस फाइव, यहाँ पर फास्फोरस की कितनी है, प्लस थ्री, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्लोरीन की कितनी है, क्लोरीन की बताओ, बहुत बढ़िया बच्चों, माइनस वन। यहाँ पर क्लोरीन की कितनी है बेटा, ये माइनस वन है, माइनस टू कैसे होगी, एक फास्फोरस के बाद पांच क्लोरीन लगे हुए हैं, तो एक क्लोरीन तो एक ही बोर्ड बनाता है, तो एक तोड़ोगे तो माइनस वन आएगा ना, और इस क्लोरीन की इतनी बात क्लियर है सबको। अब मुझे एक चीज का आंसर दो, क्या तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक मेरा एलिमेंट है जिसके अंदर इसका मेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है, और इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बोलो इतनी बात समझ पा रहे हो बेटा, कि यहाँ पर फास्फोरस का हो रहा है रिडक्शन और क्लोरीन का और ऑक्सीडेशन, ये वाले क्लोरीन में तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो मैंने इसको देखा भी नहीं। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। तो इस केस में ध्यान से समझना, ऐसे केस में हमारे एन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला समझाऊंगा, आसान रहता है। या तो एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन निकाल लो या एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन निकालो, आंसर सेम ही आएगा। समझ रहे हो, मतलब या तो रिडक्शन निकाल लो या ऑक्सीडेशन निकाल लो। तो इसका एन फैक्टर अगर मैं तुमसे पूछ लू, इसका एन फैक्टर क्या आएगा, तो मुझे बताओ, अगर मैं इसका एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन निकालता हूँ, मुझे बताना इस केस में एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन क्या आ रहा है, बताएगा कोई, प्लस फाइव से प्लस थ्री जा रहा है, तो एन फैक्टर क्या हो गया, टू। बोलो क्लियर है। लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए एक बार एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन भी निकाल दे, या सही है, सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, सेम आना चाहिए। प्राची, माइनस वन से जीरो जाने का मतलब क्या होता है बेटा, माइनस वन से कोई जीरो जा रहा है तो ऑक्सीडेशन की तो बोलते हैं यार, कौन सी दुनिया में हो, भूल गए क्या, पढ़ा नहीं, माइनस वन है मतलब माइनस वन से पॉजिटिव में जा रहा हूँ, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ ऑक्सीडेशन का क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर, बताना जल्दी बताओ कितना आ रहा है,
कैसे आ रहा है? देखो यहाँ पर तो माइनस वन से जीरो में जा रहा हूँ, तो चेंज कितने का आया? वन का। एटम कितने हैं? पांच है, तो पांच से मल्टीप्लाई करेंगे टू से। बेटा इसका देखना होता है ना, मैं इसका थोड़ी बात कर रहा हूँ, इसकी कर रहा हूँ। एन फैक्टर इसका निकालना है तो मैं इसी को देखूंगा ना बेटा, जिसका एन फैक्टर उसी मॉलिक्यूल को देखना होता है ना बेटा। देखो बहुत इंटरेस्टिंग खेल है एक्चुअल में। एन फैक्टर का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। उसका एन फैक्टर का रियल मतलब ये होता है। अब देखो यहाँ पर पांच क्लोरीन थे, पांच क्लोरीन, पांच में से तीन का तो चेंज नहीं हुआ, बताओ पांच में से तीन का चेंज नहीं हुआ। चेंज कितने का हुआ? सिर्फ दो का, देख पा रहे हो? पांच में से सिर्फ दो का चेंज हो रहा है। इसका मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो वन ही है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, समझ रहे हो रीजन? क्योंकि पांच क्लोरीन में से सिर्फ दो ही चेंज कर रहे हैं, तीन तो चेंज भी नहीं कर रहे। अगर वो चेंज ही नहीं कर रहे तो मैं काउंट भी क्यों करूंगा फॉर्मूले में, समझ रहे हो? तो इसका मेरा क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। बेटा क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? बताओ। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको तुम मुझे सोल्व करके दोगे। ठीक है, बैलेंसिंग भी करके दे रहा, बैलेंसिंग भी करनी है तो कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें मेरा क्वेश्चन है SO3 का एन फैक्टर बता दो। हाँ बेटा, वहां पर सबकी चेंज हो रही होती थी, यहाँ पर क्या हो रहा है? पांचों में पांच क्लोरीन की चेंज नहीं हो रही, तीन वैलिडिटी रह गए, इसी वजह से हम पांच से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एक्चुअल में एन फैक्टर मतलब होता है कितने का चेंज हो रहा है। यहाँ पर चेंज पांच का हो ही नहीं रहा, मैंने फॉर्मूले में ये लिखवाया था नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई करके जब लिखा था, पढ़ लेना चाहिए। तो यहाँ पे पांच में से तीन का हो रहा है, इसलिए मैंने वहां पे इतना बड़ा फॉर्मूला लिखवाया। इसका आंसर बताओ। देखो पहचानना सीखो पहले, यहाँ पे सल्फर प्लस सिक्स से प्लस फोर जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन माइनस टू से जीरो जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस टू भी है, तो माइनस टू वाले को तो हम काउंट भी नहीं करेंगे, ठीक है, तो अपना क्या बनेगा? इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। और यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा? ऑक्सीडेशन। समझ पा रहे हो? तो समझ गए, पहला केस हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन। इसका नाम डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, अगर मैं बोलना चाहूँ तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकता हूँ। बोलो बेटा इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है, कोई भी एक निकालो, बेटर पता क्या रहेगा? बेटर। देखो आंसर तो दोनों से सेम आना है, तुम उसको उठा लिया करो जिसको जो एक में पूरा जा रहा हो। जैसे देखो सल्फर यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन बट रहा है, तो बैटर तुम सल्फर वाला निकाल लो, आसानी से आंसर आ जाएगा। आंसर तो सेम आना है, लेकिन बैटर कौन सा रहेगा तुम वो उठा लो जो पूरा का पूरा एक में जा रहा हो। जैसे यहाँ सल्फर यहाँ से उठ के डायरेक्ट यहाँ चला गया, तो तुम इसका फैक्टर निकाल लो, वो आसान होता है निकाल। ठीक है, मैंने यहाँ पर दोनों तरफ ऑक्सीडेशन वो ले लिया। देखो बेटा देखो, यहाँ पर प्लस सिक्स से प्लस फोर गया, तो चेंज कितने का हुआ? टू का। एटम भी कितने हैं? वन। तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा? चाहे तुम आप ऑक्सीडेशन वाला निकाल के देख लो, देखो माइनस टू से जीरो जा रहा है, चेंज टू का, ठीक है। मुझे बताओ तीन में से कितनों ने चेंज किया, तीन में से कितनों ने चेंज किया, तीन में से कितने ने चेंज किया? एक ने किया ना, तो इस वजह से टू आ जाएगा। इसलिए बेटर है तुम उसको उठाओ जो पूरा पूरा उसमें कन्वर्ट हो रहा है। आंसर तो दोनों का सेम है। ठीक है, तो हमेशा रिडक्शन वाला उठा लिया करो, बेटर रहेगा, आसानी रहेगी। अगर मैं तुम्हें बोल दूं PCl5 का वो इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो तुम क्या करोगे? उसके वेट को किससे डिवाइड कर दोगे? टू से, समझ रहे हो? अगर मैं बोल दूं SO3 का इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो इसके वेट को किससे डिवाइड कर दोगे? टू से। बोलो क्लियर है? बोलो इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अगले केस नंबर टू पर आता हूं। आप देखो मान रही है मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तुम्हें बता सकते? प्लस टू। बहुत बढ़िया बच्चे, क्योंकि C2O4 की तो टू माइनस होती है, तो इसकी प्लस टू होगी, ठीक है। कार्बन की क्या? कार्बन की
हाँ बेटा यस, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बेटा मुझे रट चुके हैं, तुम्हें नहीं रटी, पता नहीं क्यों। दो तो बार लिखवा दूंगा C2O4, इसको अगर मैं पानी में डालूंगा तो यही तो बनेगा, आइस में टूटेगा ना। देखो तो आयरन की क्या होगी, +2, और इससे हमने कार्बन की निकाली +3, जैसे करते ठीक है, वो प्रैक्टिस से आता है, मॉलिक्यूल को देख के पहचान आ जाएगी। अब यहाँ पर आयरन की +3 है, यहाँ कार्बन की क्या है +4, ऑक्सीजन की चेंज नहीं हुई, तो हमने उसको लिखा भी। तो तुम यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हो कि आयरन का भी इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन, और कार्बन का भी इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ पा रहे हो? बोलो। तो अगर ऐसा केस आ जाए जब दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा हो या दोनों का रिडक्शन, ये वाला केस बन गया। ये देखो ए बी थे, उनमें दोनों का या तो ऑक्सीडेशन या दोनों का रिडक्शन, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है एन फैक्टर का, N factor 1 + N factor 2। कुछ भी नहीं करना, दोनों एन फैक्टर को ऐड कर दो। अब निकालना करना ऐड, बेटे बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान रखना। अभी अभी बता रहा हूँ तो फिर गलती करोगे। एग्जामिनर ये देगा, तुम्हें दिखेगा नहीं कि ये वाला केस है, तुम इसका एन फैक्टर निकालने के लिए पता पता नहीं एक आधे को पकड़ लोगे। तो यहाँ पर इसका एन फैक्टर होगा, पूरे मॉलिक्यूल का ऐड करना होता है। देखो पहले तो मैं निकाल लेता हूँ ये वाले स्टेप का, एंड दोनों को निकाल के देखता हूँ एक बार। देखो यहाँ पर +2 से +3 जा रहा है, चेन कितने का 1 का, एटम भी कितना है 1, तो इसका एन फैक्टर 1 हो गया। बताओ अब इधर आ जाओ दूसरे वाले के, ये वाले के यहाँ पर चेंज कितने का 1 का, एटम कितने है 2, तो 1 + 2 आंसर क्या आ गया 3। तो कभी भी अगर बोल दे इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो तुम्हें क्या करना है इसके मोलर मास को 3 से डिवाइड करना, ठीक है बेटा? क्लियर है? ठीक है, तो इन केसेस को पहचानना सीखना बस तुम्हें। अगला मैं आता हूँ केस 3, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनडायरेक्टली डिस्प्रोपोर्शनेशन। जो केस 3 है ना, एक्चुअल में डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ये देखो एग्जांपल देखो। मान लो मैं H2O2 देता हूँ, वो जाता है मेरा H2O + O2। अब मुझे यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? गलत मत बताना यार, मैं 4 दिन से पूछ रहा हूँ इसके बारे में, क्या बताओ कितनी है? -1, शुक्र है। आज मैं नारियल फोड़ के आऊंगा मंदिर में, ठीक है, सबने सही बताया, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, सही बताना, नारियल 11 लड्डू चढ़ा के आऊंगा अगर सही बताया सबने, ठीक। तो इसकी कितनी है, और इसकी, तो तुम क्या चीज, एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये यहां से यहां तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहां से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलो क्लियर है? ठीक है, अगर क्लियर है तो मुझे बताओ H2O2 का मुझे एन फैक्टर निकालना है, एक बहुत ही शॉर्टकट का फॉर्मूला बता रहा हूँ, बहुत शॉर्टकट। क्या करना है तुम्हें, एन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन इंटू एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन डिवाइड बाय एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन। इससे शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं मिल सकता। अगर मैं तुम्हें लेंथी वाला काम कराऊंगा ना, मुझे पूरी आयनी की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो ये बेस्ट तरीका है हमें एन फैक्टर निकालने। अब एक बार निकाल के देना H2O2 का एन फैक्टर, आगे तो तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, बस देखता हूँ कितने बच्चे के निकाल पाते हैं।
निकाल लिया बेटा। देखो बेटा कैसे किया, देखो सिंपल है। पहले तो मुझे बताओ ऑक्सीडेशन का इंफेक्टर कितना आ रहा है। ऑक्सीडेशन माइनस वन से जीरो वाला, ठीक है, माइनस वन से जीरो वाला बताओ तो कैसे निकाला बताओ। यहाँ पर क्या है, माइनस वन से मैं जीरो जा रहा हूँ, ठीक है, तो माइनस वन से जीरो चेंज कितने का आया, वन का, ठीक है, और एटम्स कितने हैं, दो, तो क्या बन जाएगा, दो रिडक्शन, ठीक है। अगर मैं रिडक्शन की बात करता हूँ, माइनस वन से कहाँ जा रहा हूं मैं, माइनस टू चेंज कितने का, वन का, एटम कितने, दो, ठीक केस तुम्हें खुद करना है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको कर दो, इसका इंफेक्टर निकाल दो। आई टू गिविंग आई माइनस प्लस आई ओ थ्री माइनस, इसको सोल्व करो एक बार। हो गया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो भाई ये है जीरो, ये माइनस वन, ये प्लस फाइव, तो ये हो रहा है रिडक्शन और ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो एन फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, एन फैक्टर का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जीरो से कहाँ जा रहा हूँ मैं, माइनस वन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू इंटू यहाँ कितना आ जाएगा, जीरो से फाइव, तो मतलब चार, फाइव का चेंज इंटू टू, टेन, किस किस का यही आंसर आया बताओ, आया किस किस का यही आंसर है, सबका यही आया है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तुम्हारा बता रहा हूँ। बेटा एक बात सुनना मेरे ध्यान से, कल मैंने तुम्हें टाइप्स करवाए थे ना, लास्ट में शायद एक को मिस हो गया, मतलब कल क्लास खत्म हो गई और आज मैंने अगला टॉपिक कर दिया। एक वो टाइप होती है, एक वो टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं कौन प्रोपोर्शनेशन, कौन प्रोपोर्शनेशन, लिख लेना, अगर उधर जाएगा तो उधर लिख लेना, टाइप जहां लिखवाए थे, ठीक है, वरना यहाँ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं है, बस एक ही लाइन लिखवानी है मुझे। ये क्या है, रिवर्स है, रिवर्स ऑफ डिस प्रोपोर्शनेशन,
मतलब जो मेरी डिसप्रोपोर्शनेशन है उसकी रिएक्शन को उल्टा कर दो, वो क्या बन जाएगी मेरी तो कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल ये ले लो, अगर ये मेरी डिसप्रोपोर्शनेशन है इसको उल्टा कर दूंगा मैं तो क्या बन जाएगी मेरी कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अरे यार आई टू का जीरो कैसे आया? अरे बाबा रे बाबा रे, आई टू का जीरो कैसे आया? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है बेटा ये, इसके लिए मुझे 7 दिन चाहिए बताने के लिए कम से कम। ठीक है, अगर इतनी बात याद समझा पाऊंगा मैं तो भाई पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। बेटा आई टू की जीरो बोल रहे हो, बताओ भाई पूरी रामायण खत्म हो गई, पूछो सीता कौन है, पूरी रामायण खत्म होने वाली है बस इसकी, बोल रहे आई टू का जीरो कैसे हुआ। बेटा नेचुरल स्टेट बताया था, मॉलिक्यूल नेचुरल स्टेट में जीरो, समझ गए? अब सोचो, सोचो मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात। अब इसी क्वेश्चन में तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ। मान लो मैं तुम्हें बोलूँ आई माइनस का इक्विवेलेंट वेट बताओ, मान लो तुम्हें मैं ऐसे दे दूँ इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो तुम्हें इसका एन फैक्टर क्या आएगा बताएगा कोई? एन फैक्टर इसका, सिर्फ इसका बोल रहा हूँ, क्या एन फैक्टर आएगा? एन फैक्टर बोल रहा हूँ, चार्ज नहीं सीधा एन फैक्टर बताओ, वन। सबको क्लियर है? इसका एन फैक्टर कितना आएगा? बहुत बढ़िया, लेकिन इसका एन फैक्टर क्या आएगा? इसका इसका एन फैक्टर बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, एन फैक्टर। सब गलत बता रहे हैं, मतलब तुमने वही चीज गलत गड़बड़ कर। बेटा अभी तो मैंने एन फैक्टर निकालना सिखाया है, बस अगर मैंने रिएक्शन को उल्टा कर दिया इसका मतलब ये थोड़ी एन फैक्टर बदल जाएगा। एन फैक्टर अभी तो निकाला है, तो इसका एन फैक्टर कितना लोगे? समझ रहे हो? मतलब ये नहीं है कि भाई मैंने ऐसे रिएक्शन लिख दी तो भाई तुम कहोगे सर एरो तो आपने ऐसे डाल रखा है। तो आई टू का हमें देखना, आई टू यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो हमें ये समझना है कि आई टू का अगर एन फैक्टर निकालना है तो आई टू का तो ये वाला कंसेप्ट लगना है निकालने के लिए, इनका निकालना है तो वो नॉर्मल है जैसे हम निकालते थे। इस केस में क्या हो गया, एक की ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और एक की रिड्यूस भी हो रहा है, समझ रहे हो बेटा? तो कभी भी अगर आ जाता है ना तो ये नहीं कि भाई इसका तो सर हमें पता ही नहीं, हमें तो ऐसे पता जब इधर होता है, इसका मतलब ये नहीं होता। समझ रहे हो सारे? जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल मान लो देख लेते हैं कौन बच्चा कर पाता है। मान लो मैं तुम्हें ये दे दिया, अगर तुम्हें बोलूं इसका एन फैक्टर बताओ क्या आएगा? इसका एन फैक्टर जल्दी बताना, करा रखा वैसे मैंने ये क्लास में, जब रेगुलर क्लास पहले हुआ था तो भी कराया था। बेटा दोबारा बता रहा हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दूंगा, जो बच्चे सोचते हैं कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे, बस इमरजेंसी वालों को मिलेंगे अगर ऐसे करोगे तो। ठीक है, तो इधर देखो कितना आएगा एन फैक्टर? 6। बहुत बढ़िया, इसका एन फैक्टर कितना आएगा? बेटा ये कुछ नया नहीं करा रहा, सोचो सर समझा तो रहे नहीं, ये चीज मैं करा चुका हूँ। इसका फैक्टर कितना आएगा? 3। समझ रहे हो? यहां से जब मैं फैक्टर निकाल रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर चेंज आया था 3 का, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था क्योंकि यहाँ 2 था। यहाँ पर भी चेंज 3 का आया लेकिन यहाँ पर 1 ही है, इस वजह से इसका फैक्टर 3 रहेगा। समझ रहे हो? मतलब कॉन्सेप्ट को समझना है तुम्हें। जैसे इस क्वेश्चन में इसका एन फैक्टर में पूछ ले तो तुम बोलोगे 3, लेकिन अगर मैं इसका एन फैक्टर बोलूं तो क्या बताओगे? इसका एन फैक्टर एफ किस में जा रहा है? तुम यहाँ पर उल्टा चलोगे ना, एफ +3 से +2 में जा रहा है तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। सीओ टू का एन फैक्टर क्या होगा? सीओ टू का भी 1 रहेगा। चेन कितने का आ रहा है? +4 से +3। एटम कितने एक मॉलिक्यूल में? 1, तो 1 आ जाएगा। समझ रहे हो? मतलब कंसेप्ट वही है, बस अगर उल्टा पूछ रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है बेटा, तो बेटा अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है। जो ये हमने सारा तड़का बनाया ना, तड़का वो वहीं पर यूज होने के लिए बनाया है, तो मतलब समझ लो जिसने यहाँ पर मिसिंग पीस किया ना कुछ तो उसको आगे कुछ समझ नहीं आएगा, मेन तो आएगा, ये तो बस एक तड़का था जो यूज होना है। जो लास्ट केस है, जो लास्ट केस है, केस नंबर कौन सा था? 4 था ना?
है, कोन कोन प्रोपोर्शनेशन तो सिंपल वाला था, उसमें तो कुछ था ही नहीं, अकेले अकेले वाले थे तो सिंपल केस में, तो मैं केस में नहीं ले रहा। देखो ये वाला समझो, यहाँ पर क्या मान लो, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2 mL 7+ गिविंग mL 4+ प्लस mL 2+, ठीक है, ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या तुम यहाँ पर देख रहे हो, ये +7 से +4 भी जा रहा है और +2 भी जा रहा है, वो अकेला ही, तो ये क्या समझ पा रहे हो, अकेला ही है, ए ही है, ए ही दोनों में सिर्फ बोर है, अकेला एटम। इसके दोनों मेथड समझा देता हूँ, इसका वैद्य एन फैक्टर है निकालने का फॉर्मूला है, नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्री, ठीक है, एक्चुअल तरीका समझाता हूँ ये ना, क्योंकि ये समझा रहा हूँ, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस और नीट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एडवांस में इसके क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन आना चाहिए, मुश्किल भी नहीं है ऐसा, लेकिन इसमें क्वेश्चन कम ही बनते हैं, तो बस एक दो केस समझा रहा हूँ, समझ लें, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखना है मुझे, तो मुझे हाफ रिएक्शन में तोड़ना पड़ेगा, जैसे अगर ये एम एल 7+ है, ठीक है, वो जा रहा है एम एल 4+ में, मुझे बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखूं, वो आयनिक इलेक्ट्रॉन मेथड था ना जो, उसका ही वैसे मान लो, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे या यहाँ आएंगे, यहाँ वाली राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट वाली साइड, यहाँ आएंगे ना, तो यहाँ पर ऐसा लिख दूं +3 इलेक्ट्रॉन, बताओ वहां यहाँ, ठीक है। अब दूसरा क्या बनेगा, Mn7+ जा रहा है Mn2+ में, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लिख दूं, बताओ, मुझे बताओ नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ है, नेट टोटल टोटल देखो बेटा, 3+5 हुआ ना, दोनों ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, अगर एक इधर होता एक इधर होता तो माइनस करते, दोनों एक ही तरफ है, समझ रहे हो, मतलब टोटल कितना हो गया, 8, तो एन फैक्टर क्या हो गया, 8 डिवाइड बाय, यहाँ पर इसकी स्टोइकोमेट्री क्या है, ठीक है। एक और एग्जांपल तुम करो इसको, ठीक है, बस तुम्हारे को करना ही वाला, एक बार हम इसको करके देखो, बेटा मैं स्टोइकोमेट्री से इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पर एटम निकालना होता है ना, क्योंकि यहाँ 2 के लिए निकला है, तो मेरा तो मुझे 1 में करने के लिए, इसलिए मुझे इसको डिवाइड करना, इसको कर दो, उसके बाद अपना ये तड़का सारा खत्म है, उसके बाद मेन मेन काम आ जाएगा, मतलब राजमा बन डालने वाले हैं, बस राजमा मतलब राजमा बनने वाले हैं, बस एक तरह से वो चीज आने वाली है, थोड़ा इसको कर दो, देखो बेटा मेरी बात सुनो, यहाँ पर Mn7+ एक तो Mn4+ में जा रहा होता और एक Mn7+ Mn2+ में जा रहा होता, मुझे बताओ यहाँ पर टोटल 3 है और यहाँ पर ये 2 है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 और 2 आना नहीं चाहिए, बैलेंस मतलब उस रिएक्शन को तोड़ रहे हैं, समझ रहे हो, मतलब अगर मैं इसको ब्रेक किया है तो यहाँ पर 2 और 2 आना चाहिए, तभी तो इन दोनों मिलकर ये बन पाएगी, वरना बन ही नहीं पाएगी, समझ रहे हो, और यहाँ पर तो सिंगल ही आएगा क्योंकि Mn2+ सिंगल ही, बोलो क्लियर है, बोलो आया ना, ठीक है, अगर इतनी बात समझ गए हो, अब मुझे बता दो यहाँ पर मैं कितने इलेक्ट्रॉन लिखूं, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज यहाँ पर 14, यहाँ कितना है 8, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 आएंगे ना, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एन फैक्टर क्या हो गया डिवाइड बाय, लेकिन एन फैक्टर किसका आया, ध्यान रखना इसका आया, ठीक है,
समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं स्कैन फैक्टर बोल दूं इसका, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा सिंपली प्लस सेवन में जा रहा है, तो स्कैन फैक्टर कितना हो जाएगा? स्कैन फैक्टर थ्री होगा सिंपल, ठीक है, जैसे हम करते होते हैं, ठीक है। स्कैन फैक्टर कितना होगा? सीधा सीधा फाइव होगा, जैसे हम करते हैं नॉर्मली, कि प्लस फोर से प्लस सेवन में जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था कि एक ही दो में जा रहा है, इस वजह से यहाँ पंगे हो गए। अगर अकेले का देखते तो मैं वैसे ही देख रहा हूँ जैसे देखते होते, वैसे इतना इम्पोर्टेंट केस नहीं है, इसलिए मैं लास्ट में करवाया है, और ये बहुत रेयरली पूछा जाता है। ठीक है, तो अब मुद्दे पर आ रहा हूँ मैं, मुद्दा अब आएगा अपना, जो बेस जो मेन मुद्दा है जिसकी वजह से पूरी रामायण बची है। ठीक है, हेडिंग डालोगे तुम इक्विवेलेंट कंसेप्ट। नहीं बेटा बेटा, यार टू की वजह से देखो, अगर तुम उसके हिसाब से भी चलते हो तो यहाँ पर तुम्हारा सिक्स आएगा, लेकिन टू से डिवाइड भी तो करोगे फिर। देखो, अगर तुम इस फॉर्मूले से भी करते हो तो टोटल चार ट्रांसफर सिक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर टू से डिवाइड करोगे तो वापिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नॉर्मली ट्रीट करो जैसे हम करते होते थे। अगर मैं तुम्हें नॉर्मली दे देता, ऐसा मान लो, अगर मैं तुम्हें ऐसा दे देता, तुम कैसे करते इसको? अगर मैं टू लगा भी देता यहाँ पर, तो भी कैसे करते? ये टू को थोड़ी देखते होते थे हम, नॉर्मली करते थे ना, तो बिल्कुल वही सीन। तो जब इसको देख रहे हो तो इसको नहीं देखना, बस इन दोनों को देखो, मान लो ऐसे रिएक्शन बना। बाकी इतना इंपॉर्टेंट केस है भी नहीं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बस एक करवाना था। अब मेन मुद्दे आ रहे वाला है, सबसे मेन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लगा लो पूरी केमिस्ट्री 11 12 थर्ड का यूज होगा। उसका नाम है इक्विवेलेंट कांसेप्ट। क्या नाम है बेटा उसका? इक्विवेलेंट कांसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है बेटा ये, ध्यान से समझना सारे। सबसे पहली बात है इक्विवेलेंट, तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें खतरनाक सी इक्वेशन दे दूं, सुनो, खतरनाक सी अगर इक्वेशन दे दूं और मैं उसमें कहूं कि मोल कंसेप्ट से उसको करो, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर मैं खतरनाक सी इक्वेशन दे रहा हूँ, मोल कंसेप्ट से उसको सोल्व करना है, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया चैतन्य, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, मतलब मेरा माथा पहले ही खराब हो जाएगा आधा, उसको बैलेंसिंग करने में मुझे 1-2 मिनट लग जाएंगे। मतलब अगर ऐसी बैलेंसिंग वाली इक्वेशन दी थी जो हो ही ना, जैसे कल हमने आई वाली की दी थी, कितनी भयंकर होगी थी वो, तो वहां पर मोल कंसेप्ट तो भाई धजिया उड़ा देगा, तो वहां पर मेरा खेला किसका आ जाएगा? इक्विवेलेंट कंसेप्ट का। अरे बाबा रे, ये कंसेप्ट से तुम्हें बैलेंसिंग करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है, नो नीड ऑफ बैलेंसिंग। आधे बच्चों के तो मजे हो जाएंगे, नो नीड ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में, अगर तुम इक्विवेलेंट कंसेप्ट से करते हो। मोल्स कंसेप्ट से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर फायदा एक तुम्हारा ये हो गया, तुम्हें यहाँ पर इक्विवेलेंट मतलब बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर तुम्हें एन फैक्टर निकालने आने से तो ही तुम कर पाओगे इसको, वरना होगा ही नहीं। इसलिए मैंने एन फैक्टर तक पहुंचने के लिए बहुत जोर दिया ये कंसेप्ट समझाने के लिए। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कम से कम 50-60 एग्जाम्पल कराए थे, उसके बाद एन फैक्टर इतने सारे निकाले, तो अब तुम्हें यहाँ पर बहुत आसानी होने वाली है। आप समझो, मान लो मैं तुम्हें एक इक्वेशन दे रहा हूँ, NaOH plus H2SO4 giving Na2SO4 plus H2। चलो मैं इसको बैलेंस भी करके दे देता हूँ। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन, अगर मैं दोनों को इक्वल, क्या मतलब, सबसे पहले बताओ क्या इन दोनों का इक्वल मास रिएक्ट करेगा? पहले तो बात बताओ, क्या इन दोनों का इक्वल मास रिएक्ट करता होता है? नहीं भाई, वो तो डिपेंड ही क्या करता है, मोल्स पर करता है। मतलब वो अपना मोल निकालेगा, वो अपना मोल, समझ रहे हो? मतलब अगर इसका 98 ग्राम है, इसका 80 ग्राम से रिएक्ट हो रहा है, समझ रहे हो? इसका एक मोल, इसके दो मोल से, इसका मतलब 98 ग्राम, मतलब ये मास तो इक्वल नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ मास इक्वल रिएक्ट करेंगे। आंसर है नो। अगला, मोल्स क्या इक्वल रिएक्ट करते हैं इस केस में? बताओ, इक्वल मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं, बताओ? नहीं, इसका एक मोल रिएक्ट कर रहे हैं, इसके दो से कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। मतलब यहाँ पर तो मोल भी इक्वल रिएक्ट नहीं कर रहे। अगर मैं बोलता हूँ क्या इक्वल इक्विवेलेंस रिएक्ट करेंगे, इक्वल इक्विवेलेंस आंसर है,
आंसर है यस, आंसर है यस, आंसर यस का मतलब क्या है, बहुत ही धमाकेबाज चीज होने वाली है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर मैं बात करता हूं ना फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, ध्यान से समझ लो यार, तुम्हारी जिंदगी संवार देगा ये कंसेप्ट। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मान लो कोई भी, मान लो मैं लिख रहा हूं एक रिएक्शन है, उस ए प्लस बी बी गिविंग सी सी प्लस डी डी, ये समझ लो स्मॉल वाले स्टोइकोमेट्री है, तो मतलब क्या हो गया, मतलब केला ये हो गया, स्टोइकोमेट्री कुछ भी है मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने एक एक ब्रह्मास्त्र याद रखना है बस, इक्विवेलेंस ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ डी। जिसने ये वाला मूल मंत्र समझ लिया, कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हारा ना हो, इतने जल्दी होगा 30 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन कर डालेंगे। दोबारा बताता हूँ इसका मतलब क्या है, हमेशा हमेशा ए के अगर मान लो ए के अगर एन इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो बी के हमेशा एन इक्विवेलेंट रिएक्ट, सी के एन इक्विवेलेंट बनेंगे और डी के भी एन इक्विवेलेंट बनेंगे। मतलब अगर मैं बोलता हूँ ए का मैंने वन इक्विवेलेंट लिया तो आंसर है बी का भी वन इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, सी कितना बनेगा वन इक्विवेलेंट, डी कितना बनेगा वन इक्विवेलेंट बनेगा। बोलो ये बात समझ रहे हो, अब एग्जांपल दूंगा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, पहले ये वाली बात समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर ए का एन इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है तो बी के एन इक्विवेलेंट से करेगा, सी के एन इक्विवेलेंट मोल मतलब इक्विवेलेंट्स बनाएगा और डी के भी एन इक्विवेलेंट बनाएगा, समझ गए, बोलो क्लियर है। अब एक क्वेश्चन देता हूं वहां से क्लियर होगा, ये क्वेश्चन को तुम्हें करना है, पहले तो तुम्हें करके देना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन क्या है मेरा, पहले तो ये क्वेश्चन लिखो सारे बच्चे, यहां से मैं पहले एक चीज ऑब्जर्व कराता हूं, एक चीज ऑब्जर्व कराता हूं, मुझे बताओ इसके मान लो मैं लेट कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं इसके मैंने दो मोल लिए और इसका एक मोल लिया, समझ रहे हो, इसके कितने मोल, दो मोल और इसका एक मोल मैंने ले लिए, ठीक है ले लिए, मुझे बताओ क्या इन दोनों के मोल इक्वल रिएक्ट कर रहे हैं, करेंगे नहीं। अब मैं एक बार देखता हूं, ये तो मोल हो गए, ठीक है ये मेरे दोनों क्या है मोल, अब मैं तुम्हें यहां पर इक्विवेलेंट निकाल कर दिखाता हूं, मुझे बताओ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, n into n फैक्टर होता है, याद है मैंने पहले भी लिखवाया था, इक्विवेलेंट होते हैं n into n फैक्टर, याद है बेटा सबको याद है, बोलो याद है, ये चीज पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n into n फैक्टर होता है, ये पक्को याद है ना, मैंने नॉर्मैलिटी में कराई थी, याद नहीं है तो देख लो, देखो इस, मुझे बताओ इसके मोल को अगर मैं उसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्विवेलेंट आ जाएगा, मुझे बताओ इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, nh का इक्विवेलेंट वेट वो क्या होता है n फैक्टर, nh का n फैक्टर क्या होता है बेटा, nh का बेस है ना, तो बेस का तो मान होगा ना ये वाले, तो कितने इक्विवेलेंट आ गए, 2 इक्विवेलेंट। मुझे बताओ H2SO4 का n फैक्टर क्या होता है, H2SO4 का n फैक्टर क्या होता है, 2 होता है, तो इक्विवेलेंट इतने आ गए, तो तुम एक चीज देख रहे हो इनके मोल सेम रिएक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन इक्विवेलेंट सेम रिएक्ट कर रहे, समझ पा रहे हो, देखो मोल मेरा इसका इसके दो मोल इसके एक मोल रिएक्ट करता था लेकिन जब मैंने इक्विवेलेंट निकाला तो मुझे साफ दिख गया इसके दो इक्विवेलेंट से रिएक्ट कर रहे, समझ आई कि मैंने यहां पर ये बात क्यों बोली थी, समझ रहे हो, बोलो बोलो क्लियर है इतनी बात कि देखो इक्विवेलेंट दोनों का सेम नहीं थे लेकिन मोल सेम रिएक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन इक्विवेलेंट सेम रिएक्ट कर रहे हैं, बोलो। अब एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को एक बार तो मोल कांसेप्ट से सॉल्व कर दो, एक बार इस क्वेश्चन को तुम मोल कांसेप्ट से सॉल्व कर देना, ठीक है मैं धन्य हो जाऊंगा अगर तुमने कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इसके मेरे पास 10 मोल है, इसके मेरे पास 6 मोल है,
मेरा क्वेश्चन है ये कितना बनेगा और ये कितना कितना बचेगा, सोल्व कर दो। मोल कंसेप्ट से करना, मैंने बैलेंस करके भी दे दी, सिंपल मोल जैसे अभी तक हम यूज करते थे। एक बार ये बता दो कितना बनेगा और ये कितने बचेंगे, ये बता दो, या कितने रिएक्ट करेंगे, मर्जी है तुम्हारी। पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे, इतनी बात तो क्लियर है ना, क्योंकि दोनों का रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है, तो निकालो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, NaOH होगा। बहुत बढ़िया, तो अब क्या डालूं, पिछली बात है भूल नहीं जानी कि भाई अगला चैप्टर पिछला भूल जाओ। तो देखो पहले तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, समझ आ गई। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके साथ रिएक्शन चलेगी, इसके दो से एक रिएक्ट करता है तो दस से कितने करेंगे, कितने करेंगे, दस से पांच बचेगा, कितना बचेगा, कितना, तो वन मोल लिख दो बताओ, और यहाँ पर हाइफन डाल दो, ये खत्म हो गया। इसके दो से एक बनता है तो दस से कितना बना होगा, पांच, बोले इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है सबको। तो ये मैंने मोल कंसेप्ट से सोल्व किया इस क्वेश्चन को, तो मुझे ये आंसर मिला। अब एक बार इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा के देखे क्या सेम आंसर आ रहा है, सेम आ रहा है नहीं आ रहा, ट्राई तो करना चाहिए ना समझने के लिए, ठीक है। अब मैं इसी को इक्विवेलेंट कंसेप्ट से करता हूँ, इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा रहा हूँ। अगर मैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा रहा हूँ, क्या बैलेंसिंग की जरूरत है ही नहीं वैसे तो, लेकिन चलो मैं फिर भी कर देता हूँ। सेम क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास ये 10 मोल है और ये 6 मोल है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम है। मुझे बताओ अगर ये मोल्स है, मोल से इक्विवेलेंट निकालूंगा तो मुझे बताओ कितने इक्विवेलेंट आएंगे NaOH के, बताओ कितने इक्विवेलेंट आएंगे, 10 इक्विवेलेंट आएंगे बताओ, तो लिख दो 10 इक्विवेलेंट, इसे कितने इक्विवेलेंट आएंगे, 12 इक्विवेलेंट, सबको क्लियर है इतनी बात। तो ये तो अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो मैंने मोल से इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे बताओ जब मैंने बोला इक्विवेलेंट आ जाते हैं, हमेशा इक्वल इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं, बोलो आया ना, तो मुझे वहां पर बैलेंसिंग तो देखनी नहीं है, मजे होने वाले बहुत तगड़े। देखो अब मुझे बताओ 10 और 12 में छोटा कौन है, 10 और 12 में छोटा कौन है, 10, तो मतलब 10 इक्विवेलेंट से 10 रिएक्ट करेंगे, 10 इक्विवेलेंट से 10 रिएक्ट करेंगे, ये मैंने सिखाया था। तो अगर 10 पे 10 करेंगे तो खत्म हो जाएगा, मुझे बताइए कितने इक्विवेलेंट बचेंगे, कितने इक्विवेलेंट, ये कितने इक्विवेलेंट बनेंगे, 10। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो मतलब क्या खेला हुआ, मैंने निकाल लिया 10 से 10 रिएक्ट करते हैं तो 2 बच गए, 10 से 10 ही बनेंगे, कुछ नहीं देखा मैंने बैलेंसिंग वगैरह कुछ भी। अभी मेरे इक्विवेलेंट आ गए, अब मैं वापिस इससे मोल्स निकाल के देख लेता हूँ, वापिस मोल्स निकाल लेता हूँ, वेरीफाई तो कर रहे ऐसा ही आ रहा नहीं आ रहा। अगर मुझे इससे वापिस मोल्स निकालना है तो देखो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट बाय एन फैक्टर, तो इसको किससे डिवाइड करूं, H2SO4 को किससे डिवाइड करूं, H2SO4 का एन फैक्टर क्या होता है, 2 होता है, और Na2SO4 का एन फैक्टर क्या होता है, देखते कितना को याद है, सोल्ट है, सोल्ट एन फैक्टर कितना है, बोलो बेटा Na2SO4 का एन फैक्टर याद करो बेटा, सोल्ट का एन फैक्टर क्या होता था, यहाँ पर ये भी डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या आ गया मेरा, वापिस मैंने मोल में कन्वर्ट कर दिया, 1 मोल, और यहाँ क्या आ गया, 5 मोल। क्या सेम आया आंसर, क्या आंसर सेम आया, हाँ ये तो भाई मजे हो गए हमारे, हमारा तो आंसर मैच कर गया। ये जो आंसर आया है वो मेरे ऊपर भी यही आंसर आया था। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सर यहाँ पर तो 4 लाइन में हुआ, यहाँ तो 2 लाइन में हुए, बेटा ये मैंने तुम्हें पहले मोल से इक्विवेलेंट निकलाया फिर वापिस घुमाया, ये तो मैं बस तुम्हें क्रॉस वेरीफाई करके दे रहा था। सबसे बड़ी बात है मुझे यहाँ बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ी, ओए तो ये तो तुम्हें छोटी सी इक्वेशन लग रही है, आ गया तुम्हें ना बैंकर बैंकर इक्वेशन, जब बैलेंसिंग करने में तुम्हें 2 मिनट लग जाएंगे, क्वेश्चन तो बाद में करोगे, तो तब वहां पर तुम्हारा एन फैक्टर ये वाला मेथड बहुत काम आ जाए। अभी तो तुम्हें लगा इसकी बैलेंसिंग बहुत आसान है कर ही लेंगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी जब मैंने गंदी सी इक्वेशन दे दी। यहां से अब तुम्हारा इसकी मैथड इसकी अप्रोच समझाता हूँ, एक क्वेश्चन ही हो जाएगा तुम्हें कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अभी अभी मैं अगर एक क्वेश्चन मैंने करा दिया
तुम्हारे कंसर्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, रिएक्शन भी नहीं लिखनी पड़ेगी। इवन क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं मैं, कैलकुलेट मोल्स ऑफ KMnO4, कैलकुलेट मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 1 mole Fe2+ इन एसिडिक मीडियम। अब देखना इसके धज्जे उड़ने वाली है, मोल का सबकी ऐसी तैसी कर देंगे, अब बहुत मजा आएगा देखना। मुझे बताओ, अभी मैं तुम्हारे लिए रिएक्शन लिख रहा हूं, वैसे रिएक्शन में लिखने की जरूरत नहीं। मुझे एग्जामिनर ने क्या बोला है, KMnO4 को मैंने Fe2+ का रिएक्ट करवाना है। ये तो मैं तुम्हारे को दिखाने के लिए शोपीस लिख रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज भी नहीं होगा इसका। देखो मुझे बताओ एसिडिक कंडीशन में क्या बनता है, मैंने सिखा रखा है Mn2+ बेटा, याद है सबको, +7 से +2 में चला जाता है, याद है। अब ये ना कहना सर यहां पे तो K लिखा हुआ है, ये तो स्पेक्टेटर है, ये बस देखने आया हुआ है, इसका कोई रोल नहीं। Fe2+ किस में जाता है, Fe3+, बोलो क्लियर है। ये तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूं, तुम्हें फील कराने के लिए कि हमें रिएक्शन चाहिए, तो यही मैंने क्या बोला है, मुझे इसको और इसको रिएक्ट करना है। उसने बोला अगर मैं इसका 1 mole लेता हूं, इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे सोचो, अगर मैं इसको मोल का हिसाब से करूंगा, क्या तुम बिना पूरी इक्वेशन लिखे बैलेंस कर पाओगे? अभी तो मैंने इक्वेशन नहीं लिखी, आयंस लिखी है बस, लेकिन मोल कर अभी रिडॉक्स चैप्टर का देखना क्या दिमाग में। मुझे बताओ क्या मैं ले सकता हूं, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2+, बताओ। मैंने ये तो दिखाया अभी कि हमेशा दोनों को इक्वल इक्विवेलेंट रिएक्ट करते हैं, बोलो समझ रहे हो? तो मुझे बताओ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, N(n) फैक्टर। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, N(n) फैक्टर, ठीक है। ये मेरा KMnO4 है, ये मेरा Fe है। मुझे बताओ इसके मोल्स मुझे निकालने हैं, KMnO4 का N फैक्टर कितना है, N फैक्टर जल्दी बोलो कितना N फैक्टर बेटा, 5 है, बहुत बढ़िया। इसके मोल्स कितने हैं Fe के, गिवन है। Fe का N फैक्टर कितना है, Fe का क्या बोल रहे हो, कौन सी दुनिया में हो, N फैक्टर कितना होगा इसका, 1 होगा ना, तो N की वैल्यू क्या आ गई। मुझे बताओ जिस बच्चे को अगर N फैक्टर आता होगा, क्या उस क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा, N फैक्टर होगी सबसे बेसिक क्वेश्चन पर, कुछ भी नहीं किया मैंने, दोनों का इक्विवेलेंट को बराबर किया बस, और कुछ भी नहीं किया। बस दिक्कत क्या है, तुम बच्चों को N फैक्टर गलत बता रहे हो, जिसकी मैंने 100 बार प्रैक्टिस करा दी। एक बच्चे का N फैक्टर 8 बोल रहा था, एक बच्चे का N फैक्टर अभी 2 बोल रहा था, बताओ। सबसे कॉमन एग्जांपल के N फैक्टर गलत बता रहे हैं, जो मैं 20 बार करा चुका हूं। इस पे बस एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे अभी, ताकि थोड़ा सा और क्लियर होते जाए जाने से पहले, तो ठीक है क्वेश्चन लिख देता हूं। KMnO4 के कितने मोल्स है निकाल लें, ठीक है। मैंने ऑक्सलेट लिया है 1 mole, मुझे बताने से कितने मोल दिए दो, ये वाला कर दो। इसके बाद सिंपल है, मेरे को KMnO4 और इसकी रिएक्शन करानी है, मैंने ये भी सिखा रखा है। रिएक्शन भी लिख दी मैंने, और बताओ, और बच्चे की जान तो नहीं कर सकते। करना क्या है, N equivalent of KMnO4 is equal to N equivalent of C2O4 2 minus, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी सीधा equivalent को बराबर रख दो, कुछ भी नहीं। KMnO4 के मोल्स नहीं पता, N factor क्या होता है KMnO4 का बताओ, 100 बार पूछूंगा तुमसे, 5 होता है, बहुत बढ़िया। इसके N मोल्स कितने हैं, इसके कितने मोल्स हैं, 1 है, ठीक है। इसके 1 mole गिवन है, N फैक्टर कितना होगा इसका बताना, N फैक्टर गलत ना बताना यार, इसका N फैक्टर बता दो।
फोर बता रहे हो यार, या तो मैन्युफैक्चरर पे अभी तक अटके पड़े हो, पढ़ा ही नहीं रहे तुम इसका मतलब। यार साफ साफ तो दिख रहा है, 100 बार करा चुका हूँ भाई, पढ़ लो यार थोड़ा सा। यहाँ पर ये +3 में है, ये +4 में है, ये तो लिखना मेरा चाहिए, 100 बार करा चुका हूँ। तो यहाँ पर चेंज कितने का आ रहा है, 1 का, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेटा टेस्ट में तुम अपना बेड़ा गर्क कर जाओगे अगर एन फैक्टर नहीं आता है, बहुत प्रैक्टिस करके आना। नोट्स के आ रहे क्या, एन फैक्टर निकालना सीखो जो नोट्स में है, नोट्स के बाहर चाहे ना जाओ लेकिन नोट्स का सार करके आना। एन फैक्टर गलत बता रहे हो यार तुम। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, क्वेश्चन में बस तुम्हें इक्विवेलेंट को बराबर करना होता है और कुछ भी नहीं करना। लक्ष्य बेटा करा दूंगा आज मैं, माफ करा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, लेकिन पहले पुराना रिवाइज करो, पुराना ही गलत कर रहे हो तुम। बेटा पहले बेसिक तो पता होना चाहिए, आगे तो तभी कराओ ना। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, तुम्हें अभी एन फैक्टर में भी दिक्कत आ रही है, मतलब घर में प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। बेटा प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता, ध्यान से सुनो, कई बच्चों को लग रहा है सर ने क्वेश्चन नहीं दिए तो मैं होमवर्क ही नहीं है। भाई नोट्स तो करने ही होते डेली, नोट्स तो डेली पढ़ो, नोट्स को ऐसे हो जाना चाहिए, रटे जाने चाहिए, समझ रहे हो? तो ये नहीं है भाई क्वेश्चन नहीं है तो भाई कुछ नहीं पढ़ना, नोट्स के क्वेश्चंस कर लो दोबारा से। ठीक है, चलो भाई, ओके।